हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। संपदा वर्ग एक और दो के लिए मैं फिजिक्स की 20वीं सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आधुनिक भौतिकी से संबंधित कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न सिलेक्ट किए हैं। ये संपदा वर्ग दो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो मॉडर्न फिजिक्स, वैसे तो इस टॉपिक से प्रश्न 100% एक आता है, मॉडर्न फिजिक्स से एक प्रश्न हमारा, एक दो प्रश्न निश्चित आते हैं दोस्तों। इस वीडियो इस टॉपिक से संबंधित मैं एक वीडियो और बना चुका हूं ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो बिना टाइम लिए हुए, देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन और आगे। दोस्तों यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न तक मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, 33 नंबर क्वेश्चन देखना है आज अपन को। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जकता उत्सर्जित करता है। अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें करता है, या गामा किरणें करता है, या एक्स किरणें करता है। तो दोस्तों ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, या कैडमियम, या बोरोन, या एल्यूमिनियम उपयोग किया जाता है। दोस्तों बोरोन या कैडमियम यूज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलित में, या ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, या परमाणु त्वरण में? तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी है दोस्तों, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मता, या तापक्रम, या ऊष्मा, या ऊर्जा? तो दोस्तों जो क्यूरी होती है वो हमारी रेडियो एक्टिवता की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, या अनियंत्रित विखंडन द्वारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, या बी ऑप्शन है संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, या सी है संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है, या संलयन अभिक्रिया धूप में होती है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही आंसर हमारा इसका है जो संलयन की अभिक्रिया होती है वो हमारी धूप में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा है इसमें देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी रेडियो कार्बन का उपयोग हम किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए करते हैं? ग्रहों की, जीवाश्मों की, शिशुओं की, या चट्टानों की? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जीवाश्मों की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब है, U-283 का उत्सर्जक है, या आणविक भट्टी है? दोस्तों जो हमारा सही आंसर हमारा इसका बी है, बी आंसर है जी इसका, जहां पे बिजली का निर्माण होता है उस जगह को कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा हुआ है इसमें। पृथ्वी की वायु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है?
पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि द्वारा या जैव तकनीकी विधि द्वारा या जैव घटित विधि द्वारा या यूरेनियम द्वारा। तो दोस्तों जो पृथ्वी की उम्र है उसको हम यूरेनियम विधि द्वारा तय करते हैं। कौन सी विधि द्वारा दोस्तों? यूरेनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। बी, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो नीचे दिए गए कोड योजना में से अपने स्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर सही कारण है, हमें बताना है कौन क्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर सत्य हैं किंतु आर कारण है। तो दोस्तों इसका पहला ही सही है हमारा, ए और आर दोनों सत्य हैं, वहीं आर सही कारण भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस कारण से? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो जो दोस्तों जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन की विधि द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्र जल या गलित सोडियम। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन द्वारा, गुरुत्वीय संकुचन द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या रासायनिक अभिखंडन द्वारा। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एक और दो सही है, एक दो तीन सही है, एक और चार सही है या दो और चार सही है। तो दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है हमारा सही आंसर दोस्तों पहला है, एक और दो दोनों सही है। संकुचन भी होता है, गुरुत्वीय संकुचन भी होता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया भी होती है। दोनों आंसर सही है जिसका अर्थ से हमारा पहला आंसर सही हो रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर भी दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, एक पहले ऑप्शन मिलाएंगे हम फिर ऑप्शन देखेंगे। आर्सेनिक 76 ये क्या होता है दोस्तों? ये आर्सेनिक 74 क्या होता है दोस्तों? ये ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर। कोबाल्ट 60 ये क्या होता है दोस्तों? ये कैंसर है। अगला क्वेश्चन, सोडियम 131 ये क्या होता है? आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का सक्रियता है। सोडियम 24 ये क्या है? एक रक्त व्यतिक्रम है। तो दोस्तों ऐसा इस प्रकार से हमारे जो ऑप्शन मिल रहा है वो सी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में या परीक्षण के रूप में या नियंत्रक के रूप में। तो दोस्तों भारी जल का प्रयोग हम करते हैं मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं हम। द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है या ऊर्जा का सिद्धांत है दोस्तों या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा इसका बी है, सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनी सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल या डेनिल सेल। तो दोस्तों सही आंसर हमारा इसका है प्रकाश वोल्टीय सेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
50 क्या लिखा हुआ है इसमें, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि पहला बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देती हैं, या बी है बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरणें किरण परीक्षण से के पहले पेट को साफ करने में सहायता करती हैं, या सी ऑप्शन है बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषण है और उन्हें चित्र में पेट की स्पष्ट रूप से देखने की में सहायता मिलती है, या बेरियम लवण रंग में सफेद होते हैं और उनमें चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो दोस्तों हम इसमें कुलीज नलिका का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम एक्स किरणों के लिए उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलते हैं दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर पहला नंबर है, द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अतिचालकता हो जाता है, या सामान्य तापमान पर, या अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, सही है इसका सामान्य ताप पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि पहला नंबर एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, बी ऑप्शन है इसका एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है, या सी है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल के अंदर परमाणु की दूरी के, या एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतः पारदर्शी होता है। दोस्तों सही आंसर इसका हमारा बी है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुओं की दूरी परमाणु की कोटि समान होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्या लिखा हुआ इसमें देखते हैं हम, डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, या दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, या किसी एक दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, या डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों डायोड में क्या होता है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है धारा को, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, वह गर्म हो जाए, बी ऑप्शन है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, या सी ऑप्शन है उपयुक्त वेग में इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं, या डी ऑप्शन है उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर जो है
वो है डी, उपरोक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखा हुआ है इसमें, पी और एन प्रकार के दो अर्धचालकों चालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी और एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है? प्रवर्धक के रूप में कार्य करती है, चालक के रूप में, या दोलित्र के रूप में, या दृष्टकारी के रूप में कार्य करती है? दोस्तों वे दृष्टकारी के रूप में कार्य करती है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? पहला नंबर, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, या उसकी विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या सी है उसकी कार्य विधि बढ़ाने के लिए, या डी है उसे उच्चोत्तर वोल्टा को बहने योग्य बनाने के लिए। दोस्तों तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है पहला, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि यह सस्ते होते हैं, दूसरा इसमें क्षय कम होता है, तीसरा ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, या डी ऑप्शन है अधिक ताप बहन करने की क्षमता होती है इसमें। तो दोस्तों सही आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा हुआ है इसमें, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तांबा, जर्कोनियम, जर्मेनियम, या ग्रेफाइट, या फिर चांदी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जर्मेनियम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त के द्वारा, परावैकनी के द्वारा, दृश्य के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों हमारा इसका सही आंसर होगा अवरक्त के द्वारा, अवरक्त की तरह प्रयोग करते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूरदर्शक के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, या एंटीना दुर्बल है, या वायु संकेतों को शोषित कर लेता है, या पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है इस कारण से? तो दोस्तों हमारा आंसर चौथा डी ही सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा हुआ है इसमें देखते हैं हम, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है, विद्युत रोधक बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, या अंतर सेमी कंडक्टर बन जाता है? दोस्तों इसका हमारा सही आंसर वो है बाह्य सेमी कंडक्टर, ए ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निगम पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए, या रेडियो रिसीवर से सिग्नल का प्रयोग प्राप्त करना, या दूरस्थ वस्तुओं को पहचान करना और ऊर्जा पता करना, या तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना? रडार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? तो ये होता है दूरस्थ वस्तुओं को पहचानना और ऊर्जा का उनके पता लगाना, ये रडार का काम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, फोटोक्रोमेटिंग के द्वारा, या रेडियोग्राफी के द्वारा? दोस्तों इसका हमारा जो सही आंसर है वो है पहला, होलोग्राफी के द्वारा। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल में।